सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर की उपयोगिता पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर उपयोगित उबंटू में एप्लीकेशन कैसे संस्थापित करें। इस ट्यूटोरियल को समझाने के लिए मैं ग्नोम एनवायरनमेंट डेस्कटॉप के साथ उबंटू 10.04 का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने चाहिए, इंटरनेट संपर्क अच्छे से काम करना चाहिए। तो पहले सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर खोलें। इसके लिए कृपया पहले सिस्टम पर जाएं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर और फिर सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर क्लिक करें। यहाँ एक ऑथेंटिकेशन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड टाइप करें और एंटर दबाएं। जब हम पहली बार सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करते हैं, एक परिचय डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इस डायलॉग बॉक्स में सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर के उपयोग करने से संबंधित जानकारी होती है। अब हम सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर में एप्लीकेशन या पैकेज संस्थापित करने के लिए रिपोजिटरी और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करते हैं। यह करने के लिए सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर विंडो पर जाते हैं। अब कृपया सेटिंग पर जाएं और फिर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस विंडो पर कई टैब हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। प्रॉक्सी सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए नेटवर्क पर क्लिक करें। यहाँ प्रॉक्सी सर्वर में दो ऑप्शन हैं, डायरेक्ट कनेक्शन और मैनुअल कनेक्शन। मैं मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कर रही हूँ जैसे यहाँ दिखाया है। आप अपना अधिमान्य ऑप्शन चुन सकते हैं। ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें। HTTP ऑथेंटिकेशन विंडो स्क्रीन पर दिखाई देता है। कृपया यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें यदि आवश्यकता हो तो और ओके पर क्लिक करें। अब परिवर्तन को लागू करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करें। विंडो को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें। अब फिर से सेटिंग पर जाएं और रिपोजिटरीज पर क्लिक करें। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर सोर्सेस विंडो दिखता है। उबंटू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कई सोर्सेस हैं। डाउनलोड फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और रिपोजिटरीज की सूची को देखने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखें। अदर लोकल सर्वर्स की सूची दिखाता है। इस विंडो को बंद करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें। मैं सर्वर फॉर इंडिया का उपयोग कर रही हूँ जैसा यहाँ दिख रहा है। सॉफ्टवेयर सोर्सेस विंडो को बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। इस टूल का उपयोग कैसे किया जाए यह सीखने के लिए उदाहरण के रूप में मैं अभी VLC प्लेयर संस्थापित करूँगी। यदि आप सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पैकेजेस को रीलोड करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए टूल बार पर रीलोड बटन पर क्लिक करें। यह कुछ सेकंड ले सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पैकेजेस इंटरनेट के माध्यम से हस्तांतरित हो रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं। जब रीलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो क्विक सर्च बॉक्स पर जाएं, जो कि टूल बार पर है, और वहाँ VLC टाइप करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी VLC पैकेजेस सूचीबद्ध हैं। VLC पैकेज को चुनने के लिए कृपया चेकबॉक्स पर क्लिक करें और मेन्यू बार पर प्रदर्शित मार्क फॉर इंस्टॉलेशन ऑप्शन को चुनें। एक डायलॉग बॉक्स रिपोजिटरी पैकेज की पूरी सूची दिखा रहा है। स्वतः ही सभी निर्भर पैकेज को मार्क करने के लिए मार्क बटन पर क्लिक करें। टूल बार पर जाएं और अप्लाई बटन पर क्लिक करें। समरी विंडो संस्थापित करने के लिए पैकेजेस का ब्यौरा दिखा रही है। संस्थापन शुरू करने के लिए अप्लाई बटन पर
क्लिक करें। संस्थापन की प्रक्रिया कुछ समय लेगी, जो कि संस्थापित होने वाले पैकेजेस की संख्या और साइज पर निर्भर करता है। पहले की तरह यह कुछ समय लेगा। डाउनलोडिंग पैकेज फाइल विंडो बंद हो जाएगी जैसे ही संस्थापन पूर्ण होगी। अब हम देख सकते हैं कि वे बदलाव लागू हो रहे हैं। हमने देखा कि वीएलसी अब संस्थापित हो गया है। सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर विंडो को बंद करें। अब सत्यापित करते हैं यदि वीएलसी प्लेयर सफलतापूर्वक संस्थापित हुआ है। यह करने के लिए एप्लीकेशन पर जाएं, साउंड और वीडियो पर जाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि वीएलसी मीडिया प्लेयर सूचीबद्ध है, अर्थात वीएलसी सफलतापूर्वक संस्थापित हो गया है। उसी तरह हम सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके अन्य एप्लीकेशंस संस्थापित कर सकते हैं। मैं सार प्रस्तुत करती हूँ। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर में प्रॉक्सी और रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके एप्लीकेशन या पैकेज संस्थापित करते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है, http://spokentutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र खैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ।